यूपीएससी इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 100 प्रॉब्लम 100 सॉल्यूशंस के डे नंबर 17 में आपका स्वागत है। और आज की बात करेंगे हम सर लैंग्वेज बैरियर कैसे दूर करें। हम इंग्लिश पे पेपर देना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिखते हैं तो तकलीफ हो जाती है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर करने के 3-4 टिप्स दूंगा। सबसे पहली टिप है भाई कि आप लोग अगर जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में आप देना चाहते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़िए या आप इंग्लिश की बुक्स को ज़्यादा पढ़िए। देखिए आपकी जो भी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग अभी है वो इसलिए है क्योंकि आपने उसको ज़्यादा पढ़ाएं, ज़्यादा सुनाएं। दूसरा, शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। जो भी आप स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं उसको शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करिए, जिससे आपकी बोलने की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तीसरा कि भाई डेली बेसिस पर जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप इंग्लिश में कम से कम 1-2 पैराग्राफ लिखो। देखो याद रखना, लिखो, भले ही गलतियाँ होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, बट लिखो 1-2 पैराग्राफ। और इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। 6-8 महीने 10 महीने आपको यही करना है। और चौथी बात यह है कि जो आपने लिखा है उसको आप डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे कि ChatGPT, गूगल, इनसे बेसिकली क्रॉस चेक करो कि आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। अब नई बात आती है सर, टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्जामिनेशन पे अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए कैसे करें, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो छूट रहा है।